अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं जीशान अली आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर बेटा कैसे हैं आप लोग मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे तो चलते हैं आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर वन माय डेयर स्टूडेंट्स हम लोग सीक्वेंस के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री के अंडरस्टैंड करेंगे स्टार्ट लेते हैं साइंस से व्हाट इज साइंस साइंस क्या है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क इस दुनिया को समझना और ये कि ये दुनिया कैसे काम करती है दिस इज साइंस माई डेयर स्टूडेंट्स मैटर को समझना और मैटर कैसे काम करता है दिस इज साइंस और हम साइंस की जनरली जो ब्रांचेस स्टडी करते हैं उनमें फिजिक्स है केमिस्ट्री है बायोलॉजी है कंप्यूटर है मैथ है एटसेट्रा डियर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री साइंस की किस ब्रांच को हम कहते हैं केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें स्टडी होता है कंपोजिशन ऑफ मैटर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर डे स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे वाटर हम जानते हैं कि वाटर का केमिकल फार्मूला एच टू ओ है तो जब मैं कहता हूं ना कंपोजिशन ऑफ वाटर, तो इससे मुराद है मेरी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम होता है दिस इज द

हम जानते हैं वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी में से बिजली गुजर जाती है पानी की फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर लिक्विड है तो पानी का इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होना और पानी का लिक्विड होना एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर द सेम वे जब हम पानी को किसी दूसरी सब्सटेंस से केमिकली रिएक्ट करवाते हैं तो ये कहलाएंगे रिएक्शंस ऑफ वाटर तो माय डियर स्टूडेंट्स हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि केमिस्ट्री साइंस की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन ऑफ मेटर यानी हमारा केमिकल कंपाउंड किन किन एलिमेंट से बना है और फर्दर हर एलिमेंट के कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं फिर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ के मालिक्यूल का या एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है साख कैसी होती है फिर हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जैसे कभी कि अभी हमने वाटर की एग्जांपल डिस्कस की वाटर इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वाटर इज लिक्विड एंड रिएक्शंस कि कैसे एक केमिकल कंपाउंड या कैसे एक एलिमेंट किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड से या दूसरे एलिमेंट से केमिकली रिएक्ट होता है माय माइड स्टूडेंट्स इन चार वेज से जो स्टडी होती है मैटर की उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है डेली लाइफ की तो हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है कमिस्ट्री मैडियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं जैसे जैसे इस ग्लोब की इस दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नेचुरली अक्रिंग सोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू फूड विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिन विद रिस्पेक्ट टू क्लोथ कम होते जा रहे हैं तो इन चीजों की कमी को पूरा करने के लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है मैन मेड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स पर जैसे क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है मैन मेड सिंथेटिक फाइबर पे हमें फूड की ज्यादा क्वांटिटी हासिल करने के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है फर्टिलाइजर पे पेस्टिसाइड्स पे इंसेक्टिसाइड्स पे हर्बिसाइड्स पे इन द वे, ह्यूमन हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर होती है मेडिसिन इन तमाम चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती है केमिस्ट्री तो हम कहेंगे पेट्रोकेमिकल हमें हासिल होते हैं थ्रू केमिकल प्रोसेस इन द केमिकल इंडस्ट्री हमें मेडिसन और ड्रग्स हासिल होती हैं इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सोप्स प्लास्टिक इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स की प्रेपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन यानी यहां भी इन्वॉल्व है केमिकल इंडस्ट्री और ह्यूमन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी हमें रिक्वायर है केमिस्ट्री की हेल्प इन द सेम वे इन्वायरमेंट को हाइजेनिक रखने के लिए अच्छा रखने के लिए भी हमें रिक्वायर होती है केमिकल प्रोडक्ट्स। माय डे स्टूडेंट्स इंसेक्टिसाइड हम उस सिंथेटिक प्रोडक्ट को बोलते हैं जो इंसेक्ट को किल करती है पेस्टिसाइड टू किल द पेस्ट इन द सेम वे हर्बिसाइड्स यानी जो अनवांटेड प्लांट ग्रोथ हो जाती है क्रॉप में उसको ख़त्म करने के लिए हम हर्बिसाइड, एग्रीकल्चर मेडिसिन यूज करते हैं इन द सेम वे जो तो कीड़े मकौड़े होते हैं उनको किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं और ये तमाम हमें हेल्प करते हैं फॉर ऑबटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रॉप इन द सेम वे नेचुरल रिसोर्सेस को फाइंड आउट करना उनको कंजर्व करना प्रिजर्व करना ये काम भी केमिस्ट ही परफॉर्म करते हैं तो हम कह सकते हैं केमिस्ट्री की अहमियत इंपॉर्टेंस हमें हर शोभाजात जिंदगी में मिलती है हमारी डेली लाइफ हर एस्पेक्ट से अफेक्ट होती है केमिस्ट्री से तो केमिस्ट बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं ताकि ह्यूमन हेल्थ एक अच्छे स्टैंडर्ड पर मेंटेन हो पाए लेकिन जैसे जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज में हमें यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे हम बात कर रहे थे प्लास्टिक्स की डिटर्जेंट्स की पेंट्स की वार्निशेस की ड्रग्स की लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं केमिकल इंडस्ट्रीज के जैसे एयर पोल्यूशन जैसे टॉक्सिक वेस्ट जमीन पे या एयर में चले जाते हैं फ्रॉम द केमिकल इंडस्ट्रीज इन द सेम वे हमारा पीने वाला पानी भी कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है बाय द मिक्सिंग ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स लेकिन इन डेंजरस केमिकल्स को भी जो अच्छी इंडस्ट्रीज हैं वो वेस्ट कर देती है उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू द एनवायरमेंट अब हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की ब्रांचेस और पहले बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन एंड चेंजेस इन देम फिजिकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं सब्सटेंसेस की मैं डे स्टूडेंट्स जब मैं सबस्टेंसिस कहता हूं ना तो इससे मुराद है एलिमेंट्स और उनके केमिकल कंपाउंड यानी हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल कंपाउंड है रिलेशनशिप एक्चुअली स्टडी किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन के दरमियान और जो चेंजेज हो रही हैं फरेंट सब्सटेंस में माई डर स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मैं बोलूंगा फिजिकल स्टेट गैस लिक्विड और सॉलिड इन द सेम वे मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में फॉल करते हैं एंड कंपोजिशन यानी मैटर, जो अंडर कॉन्सिडरेशन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और फिर चेंजेस इन दैम कौन कौन सी चेंजेस हो रही हैं सब्सटेंसेस में तो हम कह सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन एंड चेंजेस इन दम मैडियर स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टडी किया जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में बिहेवियर ऑफ मैटर स्टडी किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल एंड केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल यानी केमिकल बॉन्डिंग हम स्टडी करते हैं इन द सेम वे रेडिएशंस और टेम्परेचर का मैटर पर क्या इफेक्ट होता है ये भी स्टडी होता है फिजिकल केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री की नेक्स्ट ब्रांच जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब मैं कहता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड तो इसका मीन है हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन वो केमिकल कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट्स होते हैं यानी कार्बन और हाइड्रोजन और इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल है मीथेन सी एच फोर मीथेन हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन अगर मीथेन के एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं, विद क्लोरीन एटम तो एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा जिसका नेम है मिथाइल क्लोराइड तो मिथाइल क्लोराइड किसका डेरिवेटिव है मीथेन का यानी हाइड्रोकार्बन का तो हम कहेंगे मीथेन की स्टडी और मिथाइल क्लोराइड की स्टडी कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माय डियर स्टूडेंट्स इसमें हम स्टडी करते हैं नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ रिस्पेक्ट टू देयर सोर्सिस देर स्ट्रक्चर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज मीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका स्कोप भी अनलिमिटेड है मीन टू से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट ही प्रिपेयर करता है इन द इंडस्ट्री पेट्रोलियम एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और पेट्रोकेमिकल मीन के वो केमिकल्स वो प्रोडक्ट्स जो हमें पेट्रोलियम से गेन होते हैं और फार्मास्यूटिकल मीन ड्रग्स मेडिसिन तो बहुत पॉजिटिव वे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ह्यूमन लाइफ को ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स और उनके केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी फाल करती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें हम स्टडी करते हैं मेटल को यानी मेटल की आइसोलेशन उसके ओर से उसके सॉल्ट से मेटलर्जी कहलाती है तो मेटलर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल इंडस्ट्री है इन द सेम वे सिरामिक्स की मैन्युफैक्चरिंग भी केमिकल इंडस्ट्री में होती है ग्लास और सीमेंट भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं माय डेर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि साइंस क्या होती है केमिस्ट्री किसे कहती हैं और केमिस्ट्री की पहली तीन ब्रांचेस को स्टडी किया है इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो आप लोगों ने अपनी सीक्वेंस रिटेन रखनी है इस चैप्टर में और कंटिन्यूसली चैप्टर लेक्चर्स को रिविजिट करते रहना है ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर हो जाए चैप्टर टॉपिक्स पे तो नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात होगी आपसे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज